मंत्री राव नरवीर सिंह ने कहा कि हरियाणा सरकार की खेल नीति की बदौलत ही आज प्रदेश के खिलाड़ियों का विश्व में डंका बज रहा है। विभिन्न स्पर्धाओं में खिलाड़ी मेडल जीतकर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। राव नरवीर सिंह आज सेक्टर 49 की उपल साउथ डी ब्लॉक आयोजित वार्षिक खेल कूद प्रतियोगिता के अवसर पर लोगों को संबोधित कर रहे थे। आज आपके बीच में भाई राकेश जी ने कहा कि इस ये स्पोर्ट्स फंक्शन है, इसके बीच में आप आना, तो मेरा आपके बीच में आगमन हुआ और कई दिनों के बाद आपके बीच में आया हूँ। लेकिन ये देखकर खुशी हुई कि कम से कम स्कूलों में तो नहीं, सोसाइटियों में बच्चे खेल रहे हैं। आजकल हमारे इलाके में स्कूल बहुत बड़े बड़े बन गए, लेकिन फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत कम स्कूल वाले करवाते हैं। मेरे देखने में तो कोई 2-4 स्कूल ही है जो फिजिकल एक्टिविटी करवाते हैं, बाकी तो पेरेंट्स का अपना काम है कि उसको कहाँ जिम में भेजना है, कौन से स्पोर्ट्स क्लब में भेजना है, या हमारे 21 RW में स्पोर्ट्स फैसिलिटी है। आपने अच्छा प्रोग्राम किया रहा, आप देखते होंगे खेलो इंडिया मोदी जी ने शुरू किया, और आज हरियाणा की आबादी देश की आबादी में 2% है, लेकिन जब खेल में इनाम लेने का नंबर आता है, अवार्ड आते हैं, तो तकरीबन चाहे वो ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, चाहे एशियाड हो, या कोई और इंटरनेशनल खेल हो, हरियाणा 30% पदक लेकर आता है। ये हरियाणा की खासियत है और सरकार की उपलब्धि है कि भाई हमारे बच्चे सबसे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। खास तौर से लड़कों की बनिस्बत लड़कियां ज़्यादा इनाम लेके आ रही है, उनको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि हमारे देश की बच्चियां और हमारे प्रदेश की बेटियां सबसे ज़्यादा इनाम, गोल्ड मेडल हो चाहे दूसरा मेडल हो, लेके सबसे जाते हैं। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ और आने वाले नए साल की बहुत बहुत